दोस्तों, एक बार फिर से आपका एक नए वीडियो के अंदर स्वागत है। इस वीडियो में अपन बात करेंगे रेलवे टेक्नीशियन भर्ती 2024 की, और मुझे आशा है कि आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर दिया होगा। तो जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे हो कि इस वीडियो में अपन बात करेंगे डिजी लॉकर की। जैसा कि आप सबको बताया कि इस बार RRB का जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हो तो आपके प्रोफाइल पर एक ऑप्शन नजर आता है, लिंक योर अकाउंट विथ डिजी लॉकर। जैसा कि अपन अगली स्लाइड में देखते हैं, जैसे ही आप एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो आपके एप्लीकेशन इंटरफेस पे एक लिंक नजर आएगा, लिंक योर अकाउंट विथ डिजी लॉकर। तो इसमें अपन जानेंगे कि डिजी लॉकर एक्चुअल में क्यों जरूरी है लिंक करना। अगर आपने डिजी लॉकर लिंक नहीं किया तो कहीं आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो इन सारे पॉइंट्स पे एक एक करके बात करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि डिजी लॉकर है क्या। तो डिजी लॉकर की जब मैं बात करता हूं तो रेलवे ने साफ साफ बता रखा है कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत भारत सरकार ने एक डिजी लॉकर नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। इसका खुद का एप्लीकेशन भी है और डिजी लॉकर नाम से साइट भी है। उस साइट पे क्या होता है कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स उस साइट पे अपलोड होते हैं। डिजी लॉकर के पोर्टल पे आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आपका ITI का सर्टिफिकेट, सब कुछ अवेलेबल होता है। तो जैसे ही आप डिजी लॉकर पे अकाउंट बना लेते हो और उसके अपने RRB प्रोफाइल के साथ लिंक कर देते हो, तो फ्यूचर के अंदर जब भी आप RRB का कोई भी एप्लीकेशन भरोगे तो डिजी लॉकर से आपकी इन्फॉर्मेशन अपने आप उठा ली जाएगी। आपको बार बार अपने 10th के रोल नंबर, 12th के रोल नंबर, आपके ITI सर्टिफिकेट के नंबर आपको सबमिट नहीं करने होंगे। अगर आप फ्यूचर के अंदर आपके RRB प्रोफाइल और पासवर्ड भूल जाते हो तो उस केस में आप अपने ID और पासवर्ड को फॉरगेट भी कर सकते हो डिजी लॉकर की हेल्प से, और आप अपना एडमिट कार्ड भी वहां से निकाल सकते हो। तो डिजी लॉकर को लिंक करना बहुत जरूरी है। अगर आपने अब तक लिंक नहीं किया है तो आप स्टेप बाय स्टेप देखिए वीडियो को और आज ही अपने फोन से या लैपटॉप से डिजी लॉकर को लिंक कर दीजिए। तो सबसे पहले वीडियो को शुरू करते हैं, स्टार्टिंग से जानते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपके गूगल में जाकर किसी भी RRB को सर्च करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया RRB बेंगलोर, और जैसे ही सर्च करोगे RRB बेंगलोर तो RRB बेंगलोर का जो भी टैब नजर आ रहा है उस पर क्लिक करके और RRB बेंगलोर की होम साइट पे पहुंच जाएंगे। RRB बेंगलोर की होम साइट हमारे सामने खुल चुकी है। इसमें आपको नजर आएगा CEN 02-2024 टेक्नीशियन के लिए जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था वो जारी हुआ था CEN 02-2024। तो इसमें अपन क्लिक करेंगे क्लिक टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। क्लिक टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हम RRB के उस इंटरफेस पर पहुंच जाते हैं जहां से अपन फॉर्म अप्लाई करते हैं, और उसमें आपको कॉर्नर में अप्लाई टैब दिखाई देगा। अप्लाई पे क्लिक करोगे तो आपको यहां पर दो ऑप्शन नजर आएंगे, तो क्लिक करना है ऑलरेडी हैव ए अकाउंट। जैसे ही आप ऑलरेडी हैव ए अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के नजर आएगा। उसमें आपको अपने मोबाइल नंबर, पासवर्ड और कैप्चा फिल करके लॉगिन करना है। जैसा कि आप सबको पता है कि आपने जहां से भी फॉर्म सबमिट किया है उसने आपको आपके ID और पासवर्ड दिए होंगे, और साथ ही आपने अगर खुद से फॉर्म भरा है तो भी आपके पास ID और पासवर्ड होंगे। जैसे ही आप ID पासवर्ड लगा के लॉगिन करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस नजर आएगा जिसमें जनरल इंस्ट्रक्शन, ऑनलाइन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन हिस्ट्री। आपको एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करना है। जैसे ही एप्लीकेशन हिस्ट्री पे क्लिक करोगे तो जो RRB के आपने एप्लीकेशन भरे हैं वो यहाँ पर नजर आएंगे। जिस स्टूडेंट्स का प्रोफाइल खुला हुआ है उसने टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पे आपको नजर आएंगे अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, और साथ ही कॉर्नर में नजर आएगा लिंक योर अकाउंट विथ डिजी लॉकर। तो अपन इस वीडियो में अब देखेंगे कि कैसे आपको लिंक करना है और कैसे डिजी लॉकर आपके लिए जरूरी साबित होने वाला है। तो स्टेप में आपको क्या करना है, अगले स्टेप में आपको क्लिक करना है लिंक योर अकाउंट विथ डिजी लॉकर। जैसे कि योर अकाउंट विथ डिजी लॉकर पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के नजर आएगा जिस इंटरफेस में आपको अपने मोबाइल नंबर, जिससे आपका डिजी लॉकर का प्रोफाइल है, और साथ ही आपके पिन मतलब पासवर्ड लगा के आपको साइन इन करना होगा। तो यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर और अपने पिन सबमिट कर देते हैं और साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन पे क्लिक करोगे तो आपकी जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है डिजी लॉकर के साथ उनके ऊपर OTP जाएगी। तो जैसे ही आप OTP सबमिट करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल के नजर आएगा जिसमें आपको कहा जाएगा कि इश्यू डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, डिग्री, डिप्लोमा, क्लास 10th मार्कशीट, क्लास 12th मार्कशीट, सारी किसके साथ शेयर कर रहे हो आप, RRB ऐप के साथ शेयर कर रहे हो। मतलब इसके आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी सारी डिटेल्स RRB के साथ शेयर करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तो अभी बात है कि हमें बार बार डॉक्यूमेंट अपलोड ना करना पड़े तो जल्दी से अपन अलाउ पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो आपको अलाउ पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप अलाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ योर अकाउंट इज लिंक्ड विथ डिजी लॉकर, अकाउंट लिंक्ड विथ डिजी लॉकर। आपका अकाउंट सक्सेसफुली डिजी लॉकर के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब फ्यूचर में इसके फायदे क्या क्या होने वाले हैं, तो फ्यूचर में अगर आप अपने RRB प्रोफाइल के पासवर्ड, ID कुछ भी भूल जाते हो तो आप डिजी लॉकर की हेल्प से आराम से उसको फॉरगेट कर पाओगे। साथ ही RRB के लिए डिजी लॉकर कैसे बेनिफिशियल है, तो डिजी लॉकर से आपको बार बार डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करने होंगे। अगर आपके डिजी लॉकर पे सारे डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है तो आप नेक्स्ट टाइम कोई भी एप्लीकेशन सबमिट करोगे तो वहां से अपने आप आपकी सारी डिटेल फेच कर ली जाएगी।
तो अगर अभी तक आपने अपने डिजी लॉकर को अपने अकाउंट के साथ फेच नहीं किया है, लिंक नहीं किया है, तो जल्दी से कर दीजिए। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी अपने डिजी लॉकर अकाउंट को अपने RRB अकाउंट के साथ लिंक कर दे। तो वीडियो टेक्नीशियन एग्जामिनेशन से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो आप कमेंट में कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ऐसी और रेलवे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।